फिर मैंने इसको बीचों बीच का सेंटर चुना। फाइकस का पौधा ये भी बोनसाई है और ये भी उतर कर कम्प्लीट ही हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये साइज से दो पौधा है। बाकी गाड़ी उतरने के बाद अभी देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं और इसके नीचे ये अपना क्लेंचू का पौधा है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज है। कोई भी जानकारी या फिर कोई भी चीज चाहिए तो आप भोली निधि नर्सरी एक बार संपर्क करें। जो की बोनसाई का पौधा है आप देख सकते हैं, इनकी पत्ती बिल्कुल बारीक है। और अगर ये स्टेम की बात करें तो हम काफी भूसी स्टेम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बोनसाई का पौधा उतर चुका है, इसे हम बोने के नाम से भी जानते हैं, काफी पुराना पौधा है। अब ये आप देख सकते हैं, अभी तक तो ऐसे जमा दिया था, अब बाकी मैं अभी जब फ्री हुआ तो एक बार मैंने अपने हाथों से इसको अच्छे से जमाया। अब आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरीके से डिजाइन किया। जब मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया तो आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके बीच में मैंने ये अपना बोनसाई का पौधा लगाया, बाकी ये सीढ़ी पे कुछ मैंने इस तरीके से प्लांट रख दिया। मैंने इसको बीचों बीच का सेंटर चुना और इसको क्या एक अच्छी सिमेट्री मैंने बनाई, तो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे जो तीन पौधे था मैंने इसमें से एक हटाया और दो किया, क्योंकि दोनों को तीन प्लांट्स रखने के बाद अच्छे से स्पेस नहीं मिल रहा था। अब ये स्पेस हो गया है, जगह भी हो गई है, तो एक दूसरे से सटे नहीं है, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन नहीं दबाना भूलने से। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।